फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाठे। इस चैनल में हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशल होने वाला है, मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है। आज हम यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस टॉपिक। प्रीवियस मीन्स पहले। आज तक हमने जो भी टॉपिक के थ्रू इंग्लिश बोलना सीखा है उसकी आज हम प्रैक्टिस लेने वाले हैं। तो आज हम खाली सीधे सीधे सेंटेंस नहीं, तो उसके मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये भी आज हम सीखने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। देखिए यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखा है उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली ये क्या है, इंट्रागेटिव क्वेश्चन, इंट्रागेटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रागेटिव मीन्स उसका प्रश्न। देन ये है नेगेटिव, नॉट देख के आप समझ ही गए होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है और वही सेंटेंस का हमने नेगेटिव का भी हमने क्वेश्चन बनाया है, मतलब सिंपल क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। ओके, मतलब ऑल टाइप के जो सेंटेंस है उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इट्स डिपेंड ऑन एम इज आर, वाज, वर, शैल, विल एंड हैव, हैज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज, अभी हिंदी का जो सेंटेंस है यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो हिंदी का सेंटेंस मैं ओरली लेने वाली हूँ, उसके बाद ये जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन हम इस चार्ट में देख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है राज डॉक्टर है। इट इज वेरी सिंपल सेंटेंस, राज डॉक्टर है, तो यहाँ इंग्लिश में आएगा राज इज अ डॉक्टर। यहाँ पे अ, ए आर्टिकल यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? बिकॉज यहाँ पे जो वोवेल कंसोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल यूज हुआ है। तो सेंटेंस देखिए, राज इज अ डॉक्टर, राज डॉक्टर है, राज इज अ डॉक्टर। क्या राज डॉक्टर है क्वेश्चन? मैंने सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेने से क्वेश्चन बन जाता है। इज राज अ डॉक्टर, इसलिए हमने इज स्टैटिक में लिया। इज राज अ डॉक्टर, राज डॉक्टर नहीं है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हमें नॉट यूज करके नेगेटिव में बनाना है। तो राज इज नॉट अ डॉक्टर और राज इजंट अ डॉक्टर। ओके, इसके आगे आप नॉट भी लगा सकते हैं और इसके आगे एंटी फॉर्म लगाने से भी वो सेंटेंस नेगेटिव में चला जाता है। यहाँ पे नेगेटिव का भी क्वेश्चन है, क्या राज डॉक्टर नहीं है? वो इजंट जो हमने यहाँ पे लिखा है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, इजंट राज अ डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इज, राज डॉक्टर था। था मतलब पास्ट में, पास्ट एक्शन है, तो राज वॉज अ डॉक्टर, था के लिए वॉज यूज हुआ। क्या राज डॉक्टर था? वॉज राज अ डॉक्टर? राज डॉक्टर नहीं था, राज वॉज नॉट अ डॉक्टर और राज वॉजंट अ डॉक्टर। क्या राज डॉक्टर नहीं था नेगेटिव का क्वेश्चन है, तो वॉजंट राज अ डॉक्टर। देन फ्यूचर का सेंटेंस देख लेते हैं, राज डॉक्टर होगा, मतलब ये फ्यूचर, तो यहाँ पे राज विल बी अ डॉक्टर। विल हमें फ्यूचर टेंस शो करता है और ये बी, मैंने बताया था कि होगा, होगा के लिए हमने बी यूज करना है क्योंकि बी का मीनिंग ही होगा होता है। तो देखिए, राज डॉक्टर होगा, राज विल बी अ डॉक्टर। क्या राज डॉक्टर होगा, मतलब बनेगा, विल राज बी अ डॉक्टर? राज डॉक्टर नहीं होगा, राज विल नॉट बी अ डॉक्टर और राज वोंट बी अ डॉक्टर। और उसी का क्वेश्चन है, क्या राज डॉक्टर नहीं होगा, वोंट राज बी अ डॉक्टर। ये तो हमने सीखा है, आगे के जो थ्री एग्जाम्पल्स है वो नए हैं हमारे लिए, बट इट इज वेरी सिंपल। जहां पे हमें
मतलब हमारे पास कोई चीज है तो उसके लिए हमें क्या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल है तो उसका सेंटेंस कैसे आएगा, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल है क्वेश्चन मार्क, हैव आई मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई हैवंट मोबाइल और आई डोंट हैव मोबाइल, दोनों सेंटेंस यहाँ पे चल सकते हैं। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं है, हैवंट आई मोबाइल, डोंट आई हैव मोबाइल। ओके, यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आएंगे। पास्ट का देख लेते हैं, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल था क्वेश्चन मार्क, हैड आई मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई हैडंट मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं था, हैडंट आई मोबाइल। इट इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास मोबाइल होगा फ्यूचर, आई विल हैव बी मोबाइल। यहाँ पे विल लिया है फॉर फ्यूचर, आई विल हैव बी मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल होगा, विल आई हैव बी मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, आई वोंट हैव बी मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, वोंट आई हैव बी मोबाइल। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सेंटेंस सिंपल क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन ऐसे करके बताए थे। देखिए, ये हमें खाली सीखना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी है ओरली। कैसे देख लेते हैं, राज डॉक्टर है, राज इज अ डॉक्टर। क्या राज डॉक्टर है, इज राज अ डॉक्टर। राज डॉक्टर नहीं है, राज इजंट अ डॉक्टर। क्या राज डॉक्टर नहीं है, इजंट राज अ डॉक्टर। ऐसे करके आपको सेंटेंस रिसाइट करना है, इससे आपकी जो लैंग्वेज है, फ्लुएंसी है, वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राज डॉक्टर था, राज वॉज अ डॉक्टर। क्या राज डॉक्टर था, वॉज राज अ डॉक्टर। राज डॉक्टर नहीं था, राज वॉजंट अ डॉक्टर। राज डॉक्टर, क्या राज डॉक्टर नहीं था, वॉजंट राज अ डॉक्टर। राज डॉक्टर होगा, राज विल बी अ डॉक्टर। क्या राज डॉक्टर होगा, विल राज बी अ डॉक्टर। राज डॉक्टर नहीं होगा, राज विल नॉट बी अ डॉक्टर और राज वॉन्ट बी अ डॉक्टर। क्या राज डॉक्टर नहीं होगा, वॉन्ट राज बी अ डॉक्टर। देन मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल है, हैव आई मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई हैवंट मोबाइल और आई डोंट हैव मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं है, हैवंट आई मोबाइल। नेक्स्ट, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल था, हैड आई मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई हैडंट मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं था, हैडंट आई मोबाइल। मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव बी मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल होगा, विल आई हैव बी मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, आई वॉन्ट हैव बी अ मोबाइल। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, वॉन्ट आई हैव बी अ मोबाइल। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसा ओरली प्रैक्टिस की है, तो आपको भी ऐसे ही सेंटेंस अलग से, मतलब डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बना के इसकी ओरली प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच।